हापुड़ के सिटी कोतवाली क्षेत्र के गांव सरावा में दो पक्षों में मामूली बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर पथराव हुआ, जिसमें चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं गांव में पथराव की सूचना पर एसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सात लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही एहतियात के तौर पर गांव में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। फिलहाल गांव की स्थिति सामान्य है। हापुड़ नगर थाना के अंतर्गत जहां सरावा गांव है, यहां पे दो पक्षों के मध्य एक मामूली कहासुनी से बात थोड़ी बढ़ी, उसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर पथराव किया है। इसमें पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, चार लोगों को मामूली चोटें हैं, उनका हम इलाज करवा रहे हैं और पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। जी सर, इसमें हम विशेष करके ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पथराव किस तरह से हुआ और किसने किया है। जी सर, हम लोग उस पक्ष को ज़्यादा एग्रेसर मान रहे हैं जिन्होंने काफ़ी पथराव किया है, हम देखा है वहाँ पे। जी सर, तो उस पर कठोर कार्रवाई करने के हम लोग अब कार्रवाई करेंगे। सभी लोग, पूरी टीम यहाँ पे है, यहाँ पे रात भर ड्यूटीज भी लगा दी गई हैं। जी सर, इस तरह की संपूर्ण शांति है यहाँ पे और अग्रिम कार्रवाई करने के बाद ही हम लोग, जब पूरी तफ्तीश हो जाएगी तभी हम लोग एग्जैक्टली बता पाएंगे कि एग्जैक्टली शुरू कैसे हुआ। सर, कुछ गिरफ्तारी भी हुई है? फिलहाल हम लोगों ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है, हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ होगी और आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी, गिरफ्तारियां होती रहेंगी रात भर।